आज माननीय सीएम साहब के स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है कोरोना संक्रमण के बारे में, और कुछ विशिष्ट निर्णय लिए गए हैं जो आपके आपके नॉलेज में हम लाना चाहेंगे। एक तो आज के डेट तक 142 मरीज बिहार में ऑब्जर्वेशन में थे, और उसमें से 73 तो डिस्चार्ज हो गए हैं, मतलब डिस्चार्ज मतलब ऑब्जर्वेशन से हट गए हैं, बाकी लोग ऑब्जर्वेशन में, मगर आज तक कोई भी कंफर्म्ड केस नहीं है बिहार में। तो स्थिति तो फैक्चुअल स्थिति है कि आज तक कोई कंफर्म्ड केस नहीं है, मगर संक्रमण की स्थिति गंभीर है। आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में जिस तरह से फैल रहा है, तो यह गंभीर स्थिति है, फैल सकता है और अधिक फैल सकता है इसमें। तो इसलिए कुछ निर्णय लिए गए जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो जितने स्कूल्स, कॉलेजेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको बंद करने का आदेश दिया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल सहित जितने भी प्राइवेट हैं, निजी भी और सरकारी जितने स्कूल्स, कॉलेजेस हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बंद रहेंगे। अभी 31 तक का निर्णय हुआ है, 31 तक के लिए। और जितने जो एग्ज़ाम CBSE के हो रहे हैं, वो तो अपने होते ही रहेंगे, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बाकी एग्ज़ाम भी वो डिफर करें, बाकी जो लोकल लेवल पर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होंगे या स्कूल के इंटरनल एग्ज़ाम्स होंगे, प्राइवेट स्कूल के इंटरनल एग्ज़ाम्स होंगे, उनको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो डिफ़र करें। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम्स भी नहीं होंगे इस पीरियड्स में, और 31 तक सारे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे। इस पीरियड में खासकर सरकारी स्कूल में जहाँ मिड डे मील मिलता है बच्चों को, तो वह उसकी राशि की गणना करके वह पैसा सीधे उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो मिड डे मील के लिए उनको आना नहीं पड़ेगा, उसके उसकी जो राशि बनती है उसका गणना करके 31 मार्च से पहले उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दूसरा निर्णय लिया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र भी सारे बंद रहेंगे इस अवधि में, और आंगनवाड़ी केंद्रों में जो दो तरीके का की सहायता मिलती है, जो 0-3 होते हैं और जो लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट मदर हैं, उनको तो टेक होम राशन देते हैं, वो तो टेक होम राशन मिलता रहेगा। जो बाकी बच्चों के लिए जो वहाँ पर खाने की व्यवस्था थी, उसको भी कन्वर्ट करके, गणना करके उनके पेरेंट्स के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इस अवधि में। तो आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे, और उसमें जो भी उनको फैसिलिटीज मिलती थी खाने के, उसकी गणना करके वह राशि भी उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि आगामी बिहार दिवस जो अभी 22 मार्च को होना है, उसको तत्काल स्थगित किया जाए, और संभव है कि फिर अप्रैल में इस पर नया निर्णय लें हम लोग कि कब इसके इस आयोजन को कैसे करेंगे और कब करेंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि जितने तरह के स्पोर्ट्स, कल्चरल फेस्टिवल्स, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, यथासंभव उनको स्थगित कर रखा जाए। जो भी अथॉरिटी जो करा रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट किया जाए कि वो नहीं कराएं इस चीज़ों को। और जहाँ जहाँ बुकिंग्स होती है, जैसे ज्ञान भवन में बुकिंग है, बापू सभागार में बुकिंग्स है, जहाँ जहाँ बुकिंग्स है, उस सभी बुकिंग्स को रद्द किया जा रहा है। तो जितने इस तरह के आयोजन होते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, चाहे कल्चरल आयोजन होते हैं, वे सभी नहीं होंगे 31 मार्च तक। तत्काल अभी तक का निर्णय यही है कि 31 मार्च तक नहीं होंगे, उसके बाद फिर जैसी स्थिति होगी हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे और निर्णय लेंगे। जो पार्क्स भी हैं, सरकारी पार्क्स और जू, बोटैनिकल गार्डन, वो भी बंद रहेंगे। अभी जितने भी पूरे राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ भी जो जू है वो तो है ही, पूरे राज्य में जहाँ भी पार्क हैं, सरकारी पार्क हैं, वो सभी बंद रहेंगे इस अवधि में। और पर्पस यही है कि लोगों से यह अनुरोध किया जाए कि अपने घर में रहें, लिमिटेड एक्टिविटीज़ में रहें, ताकि संक्रमण नहीं हो। बेसिकली इस रोग में जो खतरनाक आस्पेक्ट है, वह संक्रमण की गति है, बहुत तेज़ी से संक्रमण फैलता है। तो इसलिए हम लोग इसको यह निर्णय लिया है कि इसको बंद रखेंगे। यह भी इसके बारे में सरकार से निर्देश निकलेगा कि जो कार्यालयों में जो कर्मी आते हैं, उनको भी क्या ऑल्टरनेट डे बुलाया जा सकता है, मतलब ताकि कंजेशन नहीं रहे,
तो इस पर निर्णय, इस पर निर्देश एक दो दिन में सरकार की ओर से निकल जाएगा। हम लोग यह जो कार्यालय प्रधान होंगे उनको यह छूट देंगे कि वह कर्मचारियों के जो आते हैं उनको स्टैगर कर सकें, मतलब एक दिन आधे कर्मचारी आए, दूसरे दिन आधे कर्मी आए, और जो अर्जेंट हैं, जो इमीडिएट नेचर के, जिस जिनका काम बहुत ज़रूरी है, उनको तो फिर बुलाना ही पड़ेगा डेली बेस उस पर, मगर अगर वो कर सकते हैं तो उनको इस तरह से स्टैगर करें ताकि कार्यालयों में भी बहुत कंजेशन नहीं हो, सेग्रीगेशन हो थोड़ा सा। यह भी निर्णय हुआ है कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग को और सख्त किया जाएगा, और शक्ति के साथ साथ अभी तो 49 मेडिकल कैंप चल रहे हैं, हम लोग अभी 4:30 बजे SSB और DM SSP के साथ VC भी कर रहे हैं, जितने भी जो दो बॉर्डर तो ऑथराइज जो बॉर्डर हैं, बाकी जो पोरस बॉर्डर हैं, हर जगह पर स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी और स्ट्रिक्ट मेडिकल चेकिंग होगी ताकि उधर से संक्रमण नहीं हो। हॉस्पिटल्स को भी हम लोगों ने निर्णय लिया कि स्ट्रेंथन करेंगे, वेंटिलेटर्स की संख्या में 100 और ऐड किया जाने का निर्णय लिया गया है, 100 वेंटिलेटर्स इम्पॉर्टेंट अस्पतालों में बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि अगर संक्रमण बढ़ता है और स्थिति आती है तो उसका वह ज़रूरत पड़ेगी। टेस्टिंग फैसिलिटी अभी कोरोना वायरस का सिर्फ RMRI में है, तो यह निर्णय लिया गया है कि एम्स पटना, PMCH और IGMS में टेस्टिंग की फैसिलिटी भी लाई जाए। तो ब्रॉडली ये सारे निर्णय लिए गए हैं, और ये भी निर्णय लिया गया है सिनेमा हॉल सर बंद रहेंगे आज के डेट से, सारे सिनेमा हॉल्स जो हैं पूरे स्टेट के वो बंद रहेंगे। अभी DMs की मीटिंग करके हम लोग DMs को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि वो बंद करें इसको। तो ब्रॉडली हमने बता दिया है, बेसिकली स्थिति, बेसिकली पर्पस वही है कि लोग ज़्यादा मिले नहीं, मिक्सअप नहीं करें, और इस पर सोमवार मंगल को फिर अग्रतर और क्या कार्रवाई करनी है आगे भी निर्णय लेंगे हम लोग। नहीं, उसके बारे में हम लोगों ने कोई नहीं निर्णय लिया, वो तो दूसरी अथॉरिटी कर रही है, वो करेंगे वो लोग, हाँ वो अपना करेंगे, वो निर्णय उनका है, उसमें निर्णय हमारा नहीं है। मगर बाकी जो यहाँ यूनिवर्सिटी हमारे हैं उनको रिक्वेस्ट जा रहा है कि अपने एग्ज़ाम को डेफर करें, और जो प्राइवेट जितने स्कूल्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट जा रहा है कि अपने एग्ज़ाम को डेफर करें। ये तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बताएंगे आपको। एक एक नहीं, पर्यटकों पर रोक नहीं है, मगर पर्यटकों के मेडिकल जांच का जो उसकी मॉनिटरिंग सख्ती से होगी। म्यूजियम भी सर, और हाँ सॉरी, म्यूजियम्स को ही बंद रखने का निर्णय लिया गया है, तो जो म्यूजियम बिहार संग्रहालय जितने इसको, इस पर निर्णय मंगल सोमवार को लेंगे हम लोग। बाकी जो मगर एडवाइजरी तो पब्लिक के लिए है ही कि यथासंभव पब्लिक गैदरिंग्स में नहीं जाएं, मगर इस पर ऑफिशियली निर्णय हम लोग कि बंद करना है सरकारी निर्देश, वह हम सोमवार को निर्णय लेंगे हम लोग। देखिए ऐसा है कि अभी तक हम लोगों ने जो निर्णय अभी आपको बताए हैं वो सरकारी तंत्र के बारे में बताया है, प्राइवेट तंत्र को उनकी गैदरिंग को बंद करना, उनके समारोहों को बंद करना, या फिर निजी जो समारोह होते हैं उस तरह को बंद करना नहीं करना, इस पर निर्णय सोमवार को लेंगे। उसके लिए अथॉरिटी है हमारे पास में, है एपिडेमिक एक्ट में, हम निर्णय ले सकते हैं, मगर वो निर्णय हम लोग एक दो दिन के लिए डेफर करेंगे। एम्स पटना, PMCH और IGMS में बढ़ाएंगे, तीन जगह। नहीं, प्राइवेट स्कूल तो बंद रहेंगे, एग्जाम्स के बारे में रिक्वेस्ट किया जाएगा, एग्जाम बहुत इसेंशियल कुछ है तो कराएं। नहीं, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन, कॉम्पिटेंट बोर्ड डिसीजन लेंगे उस पर हम लोग। नहीं, शिक्षक रहेंगे, शिक्षक आएंगे, उनके लिए बंद नहीं हो रहा है। देखिए, जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल आगे बना हुआ है, रेडी है, रेडीनेस में सब लोग हैं, तो कैसे उनको आइसोलेशन रखना है, फिर उनकी वो कहाँ, उनके 3 किलोमीटर के रेडियस में कैसे उसको संक्रमण मुक्त करना है, क्या काम करना, सारा प्रोटोकॉल बना हुआ है। तो जैसे केस आएंगे हम लोग उसको एक्टिवेट करेंगे मशीनरी को। नहीं, इस पर ऐसा कोई निर्णय भी नहीं हुआ है। आज अभी DM और SP सबकी मीटिंग VC है 4:30 बजे, तो 4:30 बजे हम लोग इसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो
होपफुली आज से या कल से तो जरूर हो जाएगा बंद। सरकारी कर्मियों का जो आज ऑर्डर निकल जाएगा हाँ सभी सभी जगह मेडिकल के लोगों का सर। नहीं एपिडेमिक एक्ट अभी इन्वोक नहीं किया है मगर वो करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं हम लोग करने के लिए। तो मंडे को मैंने कहा कि जैसे कि ये तो अभी सिर्फ गवर्नमेंट सेटअप में हम लोग जो निर्णय वो बताया आपको, प्राइवेट सेटअप में अगर कोई निर्णय लेना होगा तो उसको इन्वोक करेंगे हम लोग।